हेलो, आई एम स्वप्निल पांडे फ्रॉम हॉट मॉन टीवी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी खबरें। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में लगातार हो रहे हैं सनसनीखेज खुलासे। जानिए सोनू सूद कहां से करते थे 100 करोड़ तक की कमाई। जानिए किस सरकार को देने पड़े थे एक फ्लाइट के लिए 200 करोड़। जेल से बाहर निकले तिलकधारी राजकुंद्रा, फोटोज वायरल। ओलंपियन नीरज चोपड़ा से जाने टेंशन भगाने के उपाय। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पता चला है कि जिस रस्सी से बने फंदे पर उनका शव लटका मिला, उसे एक दिन पहले ही उन्होंने अपने सेवकों से मंगाया था। पूछने पर कहा था कि कपड़े सुखाने के लिए उन्हें इसकी ज़रूरत है। वहीं अगर आनंद गिरी की बात की जाए तो वो पहले भी चढ़ाव के पैसे घर भेजने से लेकर एक बार दो विदेशी महिलाओं की शिकायत पर सिडनी जेल में भी रह चुके हैं। हाल ही में सोनू सूद के मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम सहित 28 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का दावा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सोनू सूद करीब 130 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वहीं सोनू सूद बॉलीवुड फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं। इनके अलावा वो विज्ञापनों से भी कमाई करते हैं। एक शख्स को वापस भेजने के लिए सरकार ने खर्च किए 200 करोड़। आपको सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रिटेन में एक व्यक्ति को डिपोर्ट यानी कि निर्वासित करने के लिए वहाँ की सरकार ने 17 मिलियन पाउंड खर्च कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर महीने में करदाताओं के पैसे से 218 सीटों वाले विमान ने सिर्फ एक पैसेंजर और 14 बैकअप स्टाफ के साथ उड़ान भरी, जिसका खर्च 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा आया था। राजकुंद्रा जेल से निकले बाहर माथे पर दिखा तिलक। बिजनेसमैन राजकुंद्रा आखिरकार जेल की सलाखों से बाहर निकल आए हैं। 64 दिन बाद राजकुंद्रा अपने घर जाएंगे और परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राज की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में राजकुंद्रा मास्क पहने नजर आते हैं, वहीं उनके माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने बताया टेंशन भगाने का उपाय। ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा इन दिनों इंटरनेट पर खूब एक्टिव हैं। अब उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट की है जिसमें वो रोटी और चाय लिए हुए हैं। साथ ही नीरज ने लिखा, खाओ रोटी, पियो चाय, टेंशन को करो बाय बाय। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही और वीडियोज और कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। साथ में हॉट मॉन टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। You are watching Hot Mon TV.